सोनाली फोगाट मामले में ड्रग्स केस में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया था और अब तीनों आरोपियों को फिर से अंजुना पुलिस थाने लाया गया है। ये तीन आरोपी हैं, एडविन न्यून्स है, साथ ही साथ दत्ता प्रसाद गांवकर है जो कि ड्रग पेडलर है, और इसके अलावा रामा नाम का तीसरा आरोपी है। इस प्रकार से ये तीन आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है और ये तीसरे आरोपी को, ये देखिए तीसरा आरोपी है, ड्रग सप्लाई करते थे, ड्रग सप्लाई किया था। ये दो ड्रग पेडलर हैं जिनको कोर्ट से यहाँ लाया गया है। इन तीनों ही आरोपियों को अगले 5 दिनों के पुलिस रिमांड में भेजा गया है। सोनाली फोगाट के ड्रग्स प्रकरण मामले में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। एडविन न्यूज़ जो है वो कर्लीज रेस्टोरेंट का मालिक है, लेकिन आज उसके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि एडविन न्यूज़ कागज़ों पर कोर्ट का मालिक, जो कर्लीज रेस्टोरेंट है उसका मालिक नहीं है, और साथ ही साथ कोर्ट में जमानत की भी अर्जी की। दूसरी तरफ जो अन्य दो पेडलर हैं, ये दो पेडलर को पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि इन्होंने ही ड्रग्स मुहैया कराई थी सुधीर सांगवान को और सुखविंदर सिंह को, और इस मामले में दो ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं जिसमें दत्ता प्रसाद गांवकर को पकड़ा गया है और साथ ही साथ रामा नाम के एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है। इस प्रकार से ड्रग मामले में तीन गिरफ्तारियां हुई हैं। इन तीनों को कोर्ट ने 5 दिनों के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 5 दिनों के पुलिस हिरासत में रहने के दौरान गोवा की जो अंजुना पुलिस है वो उस मामले की जांच करेगी, पूछताछ करेगी और यह पता लगाएगी कि ये जो ड्रग कनेक्शन है वो कितना बड़ा है और इनको ड्रग्स कहाँ से सप्लाई होता था, क्या ये पहले से ही सुधीर सांगवान को, सुखविंदर सिंह को जानते थे, क्या उनकी पहले से कोई बातचीत हुई थी, और साथ ही साथ ड्रग्स किस उद्देश्य से उपलब्ध कराया था, कितनी मात्रा में कराया था, इन्हें ड्रग्स कौन उपलब्ध कराता था, इस प्रकार की तमाम जानकारियां पुलिस इस पूछताछ में निकालने की कोशिश करेगी। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने इन तीनों को 5 दिनों के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP News, गोवा।